हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 6 की सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन यापन। ये क्लास उन सभी के लिए है जो बिहार शिक्षक भर्ती 6-8 की तैयारी कर रहे हैं, और सिविक्स जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कृषि कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, अरहर, मसूर और धान, इन सब की खेती करने को कृषक कार्य कहते हैं। और गैर कृषक कार्य किसे कहते हैं? बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन, ये सभी क्या हैं? गैर कृषि कार्य। अब हम देखेंगे किसान कितने टाइप के होते हैं। किसान 3 टाइप के होते हैं। पहला है मध्यम किसान, दूसरा है सीमांत किसान और तीसरा है बड़े किसान। देखिए, सबसे पहले मध्यम किसान, जिसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उसे हम मध्यम किसान कहेंगे, और जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि है उसे सीमांत किसान कहेंगे, और बड़े किसान किसे कहेंगे? जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कृषक मजदूर किसे कहते हैं? जिसके पास भूमि नहीं है लेकिन दूसरों की भूमि पर मजदूरी करता है, उसे कहते हैं कृषक मजदूर। अब हम देखेंगे क्लास 6 की सिविक्स बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। देखिए, इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर महानगर किसे कहते हैं। तो महानगर उसे कहते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और नगर किसे कहते हैं? जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो वह नगर में बदल जाता है। और यहाँ पर स्टोरी टाइप की कुछ स्टोरियाँ दे रखी थी, जिसके मैंने नाम भी नोट करे हैं और वो क्या करते थे ये भी, क्योंकि हो सकता है केवीज की तरह इसमें भी ये सब पूछ लिया जाए। तो श्याम नारायण क्या थे? रिक्शा चालक थे। और प्रमोद अंशु पति पत्नी थे, ये इनका खुद का कपड़ा का शोरूम था। आकांक्षा एक कपड़ा मिल में कढ़ाई का काम करती थी। सरला दूसरों के घरों में काम करती थी। हो सकता है इनके कार्य पूछ लिए जाएं या फिर नाम पूछ लिए जाएं, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।